हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक नया तरीके के स्कैम के बारे में, फ्रॉड के बारे में। हो सकता है ये आपको ना पता हो और आपके साथ भी हो जाए। तो दोस्तों ये स्कैम क्या है, कैसे किया जा रहा है, कैसे बचें, तो सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन स्कैम के बारे में। अगर आप बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और आपको अक्सर जाना पड़ जाता है एक शहर से दूसरे शहर में और आपको अपनी गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है आप सबसे पहले ऑनलाइन जाकर सर्च करते हैं कि कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर हो जो हमारी गाड़ी को, हमारे गुड्स को, हमारे सामान को इधर से उधर ले जाए। तो आपने बहुत से नाम सुने होंगे, मूवर्स एंड पैकर्स ऐसे करके। तो आप यहाँ पे जाते हैं और सर्च करते हैं ऑनलाइन, तो आपको बहुत से पोर्टल मिल जाते हैं जैसे कि मूव माई कार पोर्टल, जस्ट डायल या गूगल एड्स पर खुद बिजनेस पेज लगा दिया जाता है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं और फिर उनके साथ कैसे फ्रॉड होता है, मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में विनी शर्मा जो कि एक गुजराती सिंगर है माने जाने, उनके साथ एक फ्रॉड हो गया। उनकी एक कार एसयूवी जिसकी कीमत 40 लाख रुपए के करीब है, उस कार के लिए उनको एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए था जो कि उनकी कार को हिमाचल से लेकर अहमदाबाद तक ट्रांसपोर्ट करते। तो वो ऑनलाइन सर्च करते हैं और मूव माई कार पोर्टल पर जाते हैं। मूव माई कार पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे ऐसे बहुत से सर्विस प्रोवाइडर मिलते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब ये सब जो वेबसाइट है, जस्ट डायल, मूव माई कार पोर्टल या फिर गूगल एड्स पे जो एड्स लगाई जाती है, बिजनेस पेज लगाया जाता है, यहाँ पे अच्छा खासा ऑडियंस जाता है, सर्च करता है तो उनको मिलता है। तो ये सब जो रियल वेबसाइट्स हैं इनका अच्छा इस्तेमाल करते हैं फ्रॉडस्टर। तो स्कैमर्स लोग इन सब वेबसाइट पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर या फिर अपनी एडवर्टीजमेंट पोस्ट कर देते हैं। उसके बाद आप इन सब पोर्टल पर जाकर सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करते हैं, उसके बाद ये बताते हैं कि आपकी कार डिलीवरी हो जाएगी, आपका सामान यहाँ से उधर कर दिया जाएगा। आपको वहाँ पे फिर बताया जाता है कि ये फीस है, फिर उसके बाद जब आप उसका पेमेंट करते हैं उसके बाद आपकी कार उठती है, फिर कहाँ चली जाती है कुछ पता नहीं लगता। तो यही विनी शर्मा के साथ हुआ, उनकी कार कहाँ चली गई नहीं पता लगा। फिर उसके बाद उनके पास फ़ोन आया और पैसे की डिमांड करी गई और कहा गया कि नहीं देते हैं तो आपकी कार यहीं वहीं कहीं छोड़ दी जाएगी। तो इससे वो काफ़ी घबरा गए और उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किया और लोगों को बताया और कंप्लेन भी करी। तो दोस्तों अब ये कैसे होता है ये आप जान लीजिए। देखिए, जस्ट डायल, मूव माई पोर्टल, गूगल एड्स पे बिजनेस पेज बनता है, स्कैमर लोग लगाते हैं और ये लोग कैसे आपको फंसा लेते हैं। देखिए, अच्छे खासे जो भी सर्विस प्रोवाइडर है जिनका नाम है ट्रांसपोर्टेशन में, उसका नाम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अग्रवाल मूवर एंड पैकर्स नाम की जो एक वेबसाइट है या रियल वेबसाइट है, उसका नाम चेंज कर देंगे, पैकर्स आगे कर देंगे, मूवर्स आगे कर देंगे, अग्रवाल एक्सप्रेस लगा देंगे और वीआरएल एंड गति लॉजिस्टिक के नाम से। तो इस तरीका से ये नाम को चेंज करते हैं और फिर उनका लोगो इस्तेमाल करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि ये वही लोग हैं जिनसे आप कांटेक्ट कर रहे हैं और जाके बड़ी बड़ी वेबसाइट पर अपनी सर्विस पोस्ट कर देते हैं, अपना नंबर या कांटेक्ट नंबर पोस्ट कर देते हैं या फिर आप खुद उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको नंबर देते हैं, वो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि ठीक है आपका काम हो जाएगा। वो अपनी प्राइस कोट करते हैं, आप उनको बताते हैं कि हम इतना देंगे, उसके बाद जब डिसाइड होता है तो अगर आप उनसे पूछते हैं कि क्या कोई और भी टैक्स लगेगा कि इतना ही पैसा पे करना है, तो कहते हैं कि कुछ टैक्स लगेगा जो कि शिपिंग के दौरान आपको बताया जाएगा और फिर एडवांस में आपसे पैसा मांग लिया जाता है, 1,000, 2,000 जितना भी अमाउंट, कुछ फिक्स नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब आप वहां पे पैसा दे देते हैं, पैसा देने के बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कोई आता है आपके पास, फिर आपकी कार को लोड करके ले जाता है। उसके बाद अब आप और फंस जाते हैं क्योंकि वो निकला स्कैमर, अब वो आपको डराएगा धमकाएगा। कैसे, अब वो कहेगा कि भाई ये पैसा नहीं और आपको पैसा देना है। अब और आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं, तो कहते हैं कैसा है हमारी गाड़ी रिटर्न कर दो, तो कहते हैं रिटर्न करने का भी आपको पैसा देना पड़ेगा, कुछ इंश्योरेंस का 3% 4% कुछ इस तरीके से बताएंगे और कहेंगे कि आपको देना पड़ेगा तभी हम आपकी कार दे पाएंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और फिर क्योंकि आपकी कार इनके पास रहती है तो आप पैसा देने पे मजबूर हो जाते हैं, तो ये आपसे तरह तरह से पैसे लेते रहते हैं। अगर आप पे करते रहेंगे तो ये आपसे पैसा लेते रहेंगे क्योंकि आपकी कार उनके पास है। तो दोस्तों इसी तरीके से लोगों के साथ हुआ और हो रहा है और हो भी सकता है, तो इससे आपको बचना पड़ेगा। इससे आपको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आप किसी भी पोर्टल पर जाएं तो सबसे पहले जो भी सर्विस लगी है उसके प्रोवाइडर की वेबसाइट चेक करें कि उसकी वेबसाइट है कि नहीं, उस नाम से है कि नहीं। नाम चेंज है तो थोड़ा आप डाउट करिएगा, जो हो सकता है वो फेक वेबसाइट हो, नाम उसका वही होना चाहिए जो बताता है सर्विस प्रोवाइडर के नाम से। और उसके बाद उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस देखिए, उसका रिव्यू देखिए गूगल पे, फ्रॉड
लिखकर उसके नाम के आगे चेक करिए कि ऐसा कोई फ्रॉड इसने किया है या हुआ है, या ये वही वेबसाइट है जिसे हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, वही लोग हैं जिसे हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि नहीं। जब भी आप कोई भी अगर डीलिंग करें तो पूरा पैसा ना दें, और उसके बाद अगर वो आपके घर पर लेने आए, जो भी डिलीवरी बॉय जो भी लोड करे आपकी कार आपके गुड्स, आप उससे उसकी आईडी ले लीजिए। तो इससे ये रहेगा कि भाई आपको सब चीज़ पता है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ ले जा रहा है। मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो ही जाता है, आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं, सब कुछ चेक कर लेते हैं, तब भी आपके पकड़ में नहीं आता है, तो आप तुरंत साइबर क्राइम कंप्लेन कर दें, आप कंज्यूमर कंप्लेन कर दें, क्योंकि यही बिन्नी शर्मा ने भी किया और उनकी रिकवरी हुई। तो दोस्तों ये करने से, और जितनी जल्दी आप करेंगे उतने जल्दी एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले कि आपके सामान आपकी कार इधर से उधर हो जाए, कोई ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से लाना बहुत मुश्किल हो जाए, उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो पाए, तो आप जल्द से जल्द कंप्लेन करें। अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आप साइबर क्राइम कंप्लेन जरूर करें। इससे ये होता है कि अगर आप तुरंत करते हैं तो हो सकता है अगर आपका पैसा जा रहा हो तो उस वक्त पैसा भी आपका बच सकता है, और ऐसा हुआ भी है लोगों के साथ। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले रिव्यू भी नहीं देखते, जाके फंसते हैं, फंसने के बाद एक महीना बाद हमारी वीडियो आती है उनके सामने, उसको देखते हैं कि भाई क्या करना है, हम बताते हैं कंप्लेन करो। ऐसे पैसा नहीं आने वाला, कभी नहीं आ पाएगा भाई। अगर कोई चोर सामने से गुजर रहा है और आपने हल्ला मचा दिया तो लोग उसको पकड़ के पीट के बंद कर देंगे, लेकिन जब वो चोर जाके कहीं ऐसी जगह पर छुप चुका है जहां से आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते तो कैसे पता कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन स्कैम, और ये कार के साथ भी हो सकता है। आप कोई भी सामान यहाँ से मूव या पैक करा के भेज रहे हैं वहाँ भी हो सकता है, तो बहुत से बड़े बड़े शहरों में हो रहा है, जैसे कि हिमाचल से ले जाकर अहमदाबाद में ले जाना था वहाँ हो गया, कुछ लोगों को विशाखापट्टनम से हैदराबाद ले जाना था उनके साथ हो गया। तो दोस्तों यही सब चीज़ हो रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीका का स्कैम है। तो इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अगर वो इस तरीके के स्कैम में फंसने वाले हो तो ना फंसें, और उनका पैसा बच सके और उनका सामान भी बच सके। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करने अगर अच्छी लगी हो, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की अपडेट्स इस तरह की आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।